अस्सलाम वालेकुम बच्चों बच्चों क्लास सिक्स है, सब्जेक्ट मैथ्स, ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन। चैप्टर नंबर वन नेम है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। टॉपिक का नेम है यहाँ पे टेस्ट पेपर। बच्चों हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर टू, आज हम करेंगे टेस्ट पेपर का। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर वन। ठीक है, पहले चैप्टर का ये टेस्ट पेपर हम कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर टू है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होंगे, कुछ पार्ट्स दिए गए होंगे, उनको हमने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। तो पॉइंट नंबर जो पार्ट नंबर वन है इसका ये है, इफ़ थ्री बिलोंग्स टू ए एंड ए प्रॉपर सबसेट बी देन थ्री बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है, अगर थ्री जो है ए में मौजूद है, यानी कि ए को बिलोंग करता है, ए का मेंबर है। ठीक है, थ्री ए के अंदर मौजूद है और ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी कि ए पूरा का पूरा बी में से उठाया गया है। ठीक है, तो फिर थ्री भी बी में मौजूद होगा। फिर वो कह रहा है देन थ्री बिलोंग्स टू बी, तो फिर थ्री भी बी में मौजूद होगा। जी हाँ भाई, अगर थ्री ए में मौजूद है और ए पूरा का पूरा बी में से उठाया गया है, यानी कि ए पूरा का पूरा बी में मौजूद है, तो भाई फिर थ्री भी तो बी में मौजूद होगा ना। ठीक है, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, तो ये बच्चों ट्रू है। ठीक है, आगे पार्ट नंबर टू है बच्चों, इफ़ ए इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। इसको क्या बोलते हैं, दो ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, खाली सेट। एंड बी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें एक एलिमेंट है ज़ीरो, इसका मेंबर है। देन ए इज इक्वल टू बी, क्या ए और बी बराबर हो सकते हैं? नहीं बच्चों, ये देखें, ए तो खाली सेट है, एम्प्टी सेट है और बी में ज़ीरो मौजूद है, तो ये बराबर नहीं हो सकते, ये फॉल्स है। ठीक है, तो आगे पार्ट नंबर थ्री है, इफ़ ए इज इक्वल टू टू फोर सिक्स एंड बी इज इक्वल टू वन थ्री एंड फाइव, देन ए इस सिंबल को, बच्चों ये जो दरमियान में सिंबल लगा हुआ है इसको बोलते हैं इक्विलेंट। इक्विलेंट में बच्चों हम नंबर्स देखते हैं, यानी कि अगर एक में तीन नंबर्स हैं, यानी कि एक में अगर थ्री एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट में भी थ्री एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर एक सेट में पांच एलिमेंट हैं तो दूसरे में भी पांच होने चाहिए। अगर एक में छः हैं तो दूसरे में भी छः होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ज़रा, सेट ए में बच्चों कितने एलिमेंट्स हैं, थ्री, और सेट बी में भी कितने हैं, थ्री हैं, तो ये दोनों इक्विलेंट सेट्स हैं। ठीक है, देन ए इक्विलेंट सेट है बी का, तो ये बच्चों ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू लिखा हुआ है। तो आगे पार्ट नंबर फोर है बच्चों, इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वन टू थ्री फाइव सेवन एंड वाई इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन टेन, यानी कि टेन से नीचे प्राइम नंबर्स हैं वाई के अंदर और एक्स के अंदर क्या हैं, वन टू थ्री फाइव सेवन, तो क्या हम कह सकते हैं देन एक्स बराबर है वाई के, यानी कि एक्स इज़ इक्वल टू वाई। बच्चों बराबर तो उस वक्त होंगे ना जब तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे होंगे। ठीक है, यानी कि अगर इसमें, अगर ए सेट में हमारे पास मौजूद हैं वन टू थ्री फाइव सेवन, तो इसमें भी बच्चों वाई सेट में भी वही चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर्स होते हैं टू थ्री, यानी कि टू से स्टार्ट होते हैं, उनमें वन नहीं आता। ठीक है, तो इसमें तो वन मौजूद है, तो इस वन की वजह से बच्चों ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये फॉल्स लिखा हुआ, ये इक्वल उसने लिखा हुआ, ये इक्वल है लेकिन ये बात गलत है, तो ये हम कहेंगे इसको फॉल्स है। आगे पार्ट नंबर फाइव है बच्चों, इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स देन दे आर आल्सो इक्विलेंट, यानी कि अगर बच्चों एक सेट में एक सेट के एलिमेंट्स हैं वन टू एंड थ्री और एक और बी सेट है उसके एलिमेंट्स हैं ए टू थ्री एंड वन, बच्चों हैं तो वही एलिमेंट्स ना आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये इक्वल हैं, तो जब ये दोनों इक्वल सेट्स हैं क्या ये इक्विलेंट भी हैं? इक्विलेंट सेट्स बच्चों क्या होते हैं, इक्विलेंट सेट्स बच्चों मैंने ऊपर भी बताया है वो होते हैं जिनमें नंबर्स सेम होने चाहिए, यानी कि अगर एक में तीन एलिमेंट्स हैं तो दूसरे में भी तीन होने चाहिए। तो बच्चों अगर सेट्स इक्वल हैं ना तो वो ज़रूर इक्विलेंट भी होंगे, पक्की बात है। ठीक है, तो ये ट्रू होगा बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको बुक से बच्चों पेज नंबर बताता हूँ। ठीक है, ये जो हमने काम किया ये कहाँ से किया, ये पेज नंबर 16 है बच्चों बुक के ऊपर, ये लास्ट में आप देख सकते हो। और इसका जो क्वेश्चन नंबर टू है बच्चों ये हमने कर लिया। ठीक है, ये वाला ये हमने किया आज। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।